तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आ चुका हूँ यार एक नई वीडियो के साथ वापस। और भाई साहब, आज मैं तुम्हें कोई सा गेम प्ले दिखाने वाला हूँ। आज मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि यार मैं अपने गेम प्ले को अपलोड करने के लिए इतना सारा डाटा, इंटरनेट बोल सकते हैं, उसको मैं लेके कहाँ से आता हूँ, क्योंकि यार मेरे जेब में एक रुपये भी नहीं पड़े रहते, लेकिन मैं अपनी वीडियो अपलोड अच्छे से कर देता हूँ। तो यार जितने भी यूट्यूब पर नए क्रिएटर हैं मेरे जैसे, मेरे को भी मतलब मेरे दिमाग में भी यही चीज़ आती है, या एक महीने से खोल के बैठे होंगे यूट्यूब चैनल, वीडियो अपलोड कर रहे होंगे, उनके दिमाग में भी ये आती होगी कि यार हमारे पास मोबाइल भी है। जैसे मेरे पास है, मेरा तो नहीं है, लेकिन यार घर में से किसी का भी होगा, मोबाइल भी है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, जैसे ये मेरी चल रही है, अब यूट्यूब चैनल भी खोल ली। लेकिन यार यूट्यूब चैनल के लिए, यूट्यूब चैनल खोलना तो आसान है, लेकिन उस पर वीडियो अपलोड करने के लिए ना डाटा जो चाहिए ना, इंटरनेट बोल सकते हैं, वो इंटरनेट कहाँ से लेके आना चाहिए, वही मैं आज बताने वाला हूँ। पहले सुनो यार, यूट्यूब पे ना तीन तरीके के लोग होते हैं। पहले तो होते हैं जिनके घरों में ना वाईफाई लगा होता है, तो उन्हें कोई दिक्कत मतलब कुछ भी नहीं होती, भैया 28 मिनट की वीडियो या 18 मिनट की वो अपलोड कर देंगे, क्योंकि उनके इधर वाईफाई लगा है। अब दूसरे तरीके के लोग ऐसे होते हैं कि भैया ठीक ठाक पैसा है यार, इतना भी नहीं है वाईफाई जितना, लेकिन यूट्यूब वीडियो अपलोड करने के लिए ना उन्हें क्या करते हैं, वो फ़ोन पे या पेटीएम से रिचार्ज कर लेंगे, अपनी सिम कौन सी जैसे जियो की है तो उसका रिचार्ज कर लेंगे 3-4 GB का, और वीडियो अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं है। दूसरे से हॉटस्पॉट ऑन करवा के उससे ले लेंगे डाटा और वीडियो अपलोड कर देंगे। और भाई साहब तीसरे तरीके के लोग होते हैं बिल्कुल मेरे जैसे, मतलब जेब में 2 रुपये भी नहीं है, लेकिन मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, कैसे बस देखते जाओ। अब देखो मैं बताने वाला हूँ तुम्हें मैं अपलोड वीडियो करता कैसे हूँ। अब YouTube पे जितने भी नए क्रिएटर हैं ना यार, मतलब जितने भी लोग हैं YouTube पे, उनके मोबाइल में ज़्यादातर नॉर्मल, मतलब ज़्यादातर लोगों के मोबाइल में ना 1 GB का रिचार्ज तो होता ही है, मतलब रोज़ 1 GB तो मोबाइल में आता ही होगा। तो देखो उससे करना क्या है, बस अब देखते जाओ। अब देखो करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर सर्च करना है डाउनलोड एंड अर्न, मतलब DOWNLOAD डाउनलोड एंड अर्न लिखना है, और इस ऐप को डाउनलोड कर लेना। देखो जैसे कि मेरे मोबाइल में पहले से ही डाउनलोड है, ये देखो इसमें ओपन का बटन बता रहा है और अनइंस्टॉल का बटन बता रहा है, तो इस ऐप को डाउनलोड करना है। अब वो वाला ऐप डाउनलोड हो गया, अब दूसरा ऐप डाउनलोड करना है पॉकेट मनी, POKET पॉकेट और मनी, MONEY मनी होता है, अब उसको है ना, इसको भी डाउनलोड कर लेना है। देखो ओपन का बटन आ रहा है, इसको भी डाउनलोड कर लेना है। अब देखो ये जो डाउनलोड है ना अर्न ऐप है ना, इसमें करना क्या पड़ता है, जब तुम इसे पहली बार खोलोगे ना तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा, तुम्हारे जो नंबर है जो तुम्हारा, उससे तुम्हें लॉगिन करना पड़ेगा, और उस पर एक OTP आएगा 2-3 सेकंड बाद, और उसको फिल करना है और टर्म्स एंड कंडीशन को ट्रू करना है, और बस तुम इतनी जल्दी लॉगिन हो जाओगे इसमें। अब इसमें देखो करना क्या पड़ता है, पहले तो अभी तो मेरी 0 अर्निंग है, लेकिन तुम मेरी अर्निंग देख सकते हो, हिस्ट्री देख सकते हो, इस ऐप से मेरे को 7 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, किसी के तो 15-20 रुपये तक मिलते हैं यार। अब देखो अभी तक तो मैंने तुम्हें दिखा दिया, और अभी तक देखो मेरे पास यार 147 रुपये में इस ऐप से अभी तक कमा चुका हूँ, और भाई साहब देखो पेटीएम में मैंने इतने सारे ले चुका हूँ, और भाई साहब तुम्हें यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी यार, इस ये वाली एप्लीकेशन से इतने पैसे मिलते हैं, लेकिन यार मैंने सब करके देख लिया, उनसे कद्दू कुछ नहीं मिलता, बस ये मतलब ये वाली जो 2 एप्लीकेशन बता रहा हूँ ना, ये 2 एप्लीकेशन भाई पक्का पैसे मिलते हैं, और मैंने खुद कमाए यार, मतलब मैं तुम्हारे जैसा हूँ, मैंने सब देख रखा भाई यूट्यूब पर, भाई किसी से पैसे ऐसे नहीं मिलते, बस सब भागते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता उनसे, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है इनसे पैसे पक्का मिलते हैं। देखो इन ऐप में कुछ नहीं करना रहता, ऐप को खोलना है और बस इनके नीचे लिखा रहता है इसको इंस्टॉल करना है, किसी के इंस्टॉल एंड अर्न मिलते हैं और किसी पे रजिस्टर एंड अर्न पे मिलते हैं पैसे, लेकिन यार पैसे ज़रूर मिलते हैं, मिलेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद मिलेंगे, जैसे अभी अपन ने डाउनलोड करा ना तो 1 घंटे बाद मिलेंगे, किसी के तो तुरंत ही मिल जाते हैं, या तो समझ लो या 4-5 घंटे, जैसे तुम्हें सुबह डाउनलोड करे 2 ऐप तो तुम्हें शाम तक पक्का पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि यार मिलते ही नहीं, पैसे ज़रूर मिलेंगे, बस करना एक बार। अब देखो दूसरी एप्लीकेशन में क्या करना पड़ता है, जब तुम फर्स्ट बार मतलब इसमें भी लॉगिन करोगे तो वो ही तुमसे मांगेगा यार अपना नंबर वगैरह मांगेगा, और OTP फिल करना है और टर्म्स एंड कंडीशन को ट्रू करना है, और बस तुम इसमें भी लॉगिन हो जाओगे, इसमें भी बस इतना सही रहता है। अब इसमें तुम देख सकते हो यार मेरे पास 33 रुपये अभी भी पड़े हैं, अभी दिखाऊंगा मैं, और इतने सारे मेरे को मिल चुके हैं, मतलब ये ऐप से पैसे मिल चुके हैं इतने, और देख सकते हो अवेलेबल अमाउंट मेरे पास अभी भी 33 रुपये पड़ा है, मैं इसको विड्रॉल भी अभी तुम्हें करके बता दूंगा। देखो इसमें भी कुछ नहीं करना पड़ता है यार, ऑल ऑफर में
ऑल ऑफर्स में जाना पड़ता है और बहुत सारे ऐप्स रहते हैं, इनको डाउनलोड करो, किसी को इंस्टॉल करना पड़ता है, किसी को रजिस्टर करना पड़ता है, बस उन्हीं के मतलब पैसे मिलते हैं। और इसमें भाई एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, इसमें ना एक चीज़ रहती है, इसमें ये प्ले तंबोला है इसका नाम है भाई गेम का, ऐसा ही है। इसमें क्या करना पड़ता है, देखो जो एक लेडीज है ना, मतलब एक लेडीज है, वो तुम्हें ना कुछ बोलेगी, मतलब संख्या बोलेगी, नंबर बोलेगी, वो नंबर है ना तुम्हें अपनी जो छोटी सी कीबोर्ड दिखाई देगी उधर रंग बिरंगी उसमें दिखाई देगी, तो वो जो नंबर बोलेगी ना बस वही नंबर तुम्हें उसमें टाइप करना है। और बस जितने भी तुम्हारे पास आ जाएंगे ना उसमें, जितने भी तुम्हारे पास जैसे 5 नंबर आए तो वो 5 अर्ली 5 ऐसे बहुत सारे उसमें ऑप्शन मिलेंगे, उसको दबा दो तो उससे पैसे और भाई मिलते हैं, मतलब उसके 1 रुपये, किसी के 3 रुपये, मेरे को भाई मिल चुके हैं। अब देखो मैं तुम्हें रिडीम करके बता रहा हूँ, मैंने अपना नंबर लिखा और देखो इधर पे करे 30 रुपये, मेरे पास 33 रुपये हैं। और पहले तो इसमें जब अपन शुरू बार ट्रांसफ़र करते ना तो भाई इसमें अपने को पैसे नहीं कटते, लेकिन मैं दूसरी या तीसरी बार कर रहा हूँ तो मेरे पैसे 1.5 रुपये कट रहे हैं भाई साहब, ये गलत बात है, चलो ठीक ठाक है, लेकिन मिलते हैं यार पैसे, पक्का पक्का मिलेंगे इसमें यार, मिल जाते हैं पैसे, तुम करके देखना यार, नहीं मिले ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भाई मेरे को पक्का पक्का मिलते हैं और तुम्हें भी मिलेंगे, बस तुम एक बार करके ज़रूर देखना। मैं पेटीएम में दिखा सकता हूँ, मेरे पास अभी भी देखो कितने रुपए पड़े हैं, देखता हूँ मैं आए कि नहीं, लेकिन आ जाएंगे, उसमें लिखा था कि 10 मिनट बाद आ जाएंगे, अभी देखता हूँ मैं आए कि नहीं। अब देखो मैंने किया अपना पेटीएम चालू और पेटीएम वॉलेट पे गया, ये भाई ब्लैक ब्लैक दिखाता है मेरे में, मैंने एडिट नहीं किया है, देखो ये लिखा है 28 रुपये, और देखो पहले मेरे मतलब उसमें 13 रुपये थे, मेरे को 28 रुपये रिसीव हुए अभी थोड़ी देर पहले ही, मतलब वीडियो एडिट में यार थोड़ा सा टाइम लगता है, तो दो तीन या 5-10 मिनट कह सकते हो यार मेरे को पैसे आ गए, लेकिन भाई पैसे जरूर आते, तुम करके देख लेना यार एक बार। और हाँ जब वो ऐप में यार जैसे तुमने सब ऐप में जैसे रजिस्टर कर लिया तो यार उसमें करना क्या पड़ेगा, जब ख़त्म हो जाएंगे ना मतलब तुम्हारे पास ऐप नहीं बचेंगे ना, तो उसमें होगा ऐसा कि 2-3 दिन बाद ना उसमें नए नए ऐप आते जाते हैं, तो भाई जल्दी जाओ और भाई साहब पैसे कमा लो। और भाई साहब अब देखो अभी मेरे पास 42 रुपये पड़े हैं, तो मैं मतलब 2-3 वीडियो तो अपलोड कर ही सकता हूँ यार अभी तक इतने पैसे, जब तक तो उसमें नए ऐप और आ जाएंगे। अब यार यही था आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जितने भी नए तुम्हारे यूट्यूबर बनने वाले उन्हें पता हो कि भाई साहब डाटा कहाँ से आता है और पैसे ही लगते हैं यार, तो उनको कर देना शेयर। और भाई साहब अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।